सो गाइस स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में इसको डीके के में आज हम जो शेयर को लेकर बात करेंगे वो रेल विकास निगम लिमिटेड जिसे आप लोग आरविनिल के नाम से जानते हो तो आरविनिल के अंदर आज आपने देखा होगा अभी स्टॉक में रैली भी बनी थोड़ी बहुत तेजी बनी थी ना एक परसेंट के करीब स्टॉक में गिरावट भी हुई सभी काम हुए लेकिन लास्ट में आप लोग देखोगे हाफ परसेंट के करीब जो शेयर है वो हमें टूटते हुए नजर आया है इसी चलते दूसरी तरफ आप लोग देखोगे आई उसमें भी हमें जो है अभी अच्छे मूवमेंट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं साथ में आज के दिन एक बड़ी अनाउंसमेंट भी होते हुए नजर आई है उसके ऊपर भी डिटेल में चर्चा करेंगे और इन दोनों शेयरों के ऊपर कितना असर रहेगा कल के दिन वो भी डिटेल में डाटा कैसा कुछ देखने को मिल रहा है वो खबर में जानेंगे तो यहाँ पर जो वॉल्यूम आई ना एन एस दोनों के अंदर वो सत्रह पॉइंट चार मिलेगा यानी कि एक करोड़ चौहत्तर लाख के करीब स्टॉक में वॉल्यूम आई है और एक सौ पैसे के भाव पर जो शेयर है वो हमें क्लोजिंग लेते नजर आया है यहाँ तो सात पर पर जो कि काफी अच्छी रेंज में वहीं आर एस आई यहाँ पर आप लोग देखोगे आर एस आई फिफ्टी से भी डाउन चला गया है वहीं एम की मैं बात करूँ तो एम एफ आई फोर्टी टू पर है जो कि काफ़ी अच्छी रेंज में है स्ट्रॉन्गली स्टॉक को आ, जो नई तेज़ी की तरफ इशारा करें कि स्टॉक में आने वाले टाइम एक अच्छी रैली बन सकती है तो चलिए अब जानते भी इसके डाटा वगैरह कैसा क्यों देखने को मिले हैं उसके बाद जो खबर आई ना वो देखेंगे डिटेल में तो यहाँ पर आप लोग देखोगे प्रीवियस क्लोजिंग क एक सौ पच्चीस ओपन हुआ एक सौ चौबीस फिर हाई जो स्टॉक ने लगाया एक सौ छब्बीस का लगभग स्टॉक में एक डेढ़ परसेंट के करीब तेजी भी बनी थी फिर लास्ट में जो शेयर है वो टूटते हुए नजर आए और मार्केट प्राइस के ऊपर आप लोग देखोगे एक सेल ऑर्डर लगा हुआ जो कि पच्चीस हज़ार क्वांटिटी का है तो पच्चीस हज़ार क्वांटिटी का सेल ऑर्डर इसी के चलते डिलीवरी पोजिशन की मैं बात करूँ तो डिलीवरी शानदार उठने लग चुकी है जी हाँ अड़तीस तीन सात परसेंट के करीब जो डिलीवरी वो उठाई गई है आज के दिन जो शेयर ट्रेड हुए हैं एनएससी के अंदर आप लोग देखोगे एक करोड़ सोलह छियासठ लाख के करीब और जो डिलीवरी उठाई गई है तकरीबन तिरसठ लाख नब्बे हज़ार के करीब डिलीवरी शानदार उठी है सेल ऑर्डर ज़रूर आए हैं तो चलिए अब देखते भी चार्ट्स के ऊपर क्या कुछ इसके मूवमेंट्स बन रहे हैं क्या परचेजिंग का टाइम है या फिर यहाँ से एग्जिट लेना चाहिए तो यहाँ पर आप लोग देखोगे ये शेयर हमें जो ना अभी कंसोलिडेशन रेंज में दिखाई दे रहा है ना काफ़ी टाइम से आप लोग देख सकते हो इस रेंज को देखते हुए बहुत सारे निवेशकों को कमेंट आ रहे हैं कि इसमें तेज़ी बनेगी या फिर नहीं बनेगी बनेगी या फिर नहीं बनेगी तो यहाँ से आप लोग देखोगे इस शेयर के अंदर एक अच्छा मौका है ठीक है मैं तो इसे अपॉर्चुनिटी समझूंगा और ऐसा मौका आपके पास बार बार नहीं आएगा जहाँ पर आप लोग शॉर्ट टर्म में ठीक है स्विंग ट्रेड करके या फिर इंटरडे वगैरह में इसके अंदर एक अच्छा मुनाफा बना सकते हो लेवल्स के ऊपर फोकस कीजिए इंटर शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड और लॉन्ग टर्म वाले देखो भाई यहाँ पर स्टॉक में तेज़ी बनेगी इसमें कोई दुराई नहीं है आपको पेशेंस रखना पड़ेगा होल्डिंग बनाए रखिए इस शेयर में एक अच्छी रैली बनेगी तो यहाँ पर आपने देखा होगा अभी कुछ टाइम पहले स्टॉक में एक अच्छी रैली बन चुकी थी स्टॉक एक फ्रेश बाउंडाई क्रिएट कर चुका था वन वन फोर्टी सेवन या वन फोर्टी एट के आसपास शेयर रुपए में पहुंचा था वन फोर्टी सिक्स के आसपास सॉरी तो ऐसे में यहाँ से फिर स्टॉक में गिरावट हुई और गिरावट के पीछे एक्चुअली में रीजन क्या था ओ एफ एस ऑफर फॉर सेल का जो कंपनी लेकर आई थी कंपनी ने अनाउंस किया था और फाइव पॉइंट थ्री सिक्स परसेंट के करीब जो डिलीवरी जो इक्विटी है वो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो बेचती हुई नज़र आई थी ठीक है तो ऐसे में इस शेयर का मैं क्यों कनेक्शन बता रहा हूँ आईआरएफसी के साथ तो कल के दिन आपने देखा होगा भी आईआरएफसी में अच्छी तेज़ी बनी थी आज दिन स्टॉक में लगभग तीन परसेंट के करीब तेजी बंद हुई थी आईआरएफसी के अंदर लेकिन लास्ट में आप लोग देखोगे वो तेजी भी जाती हुई नजर आई है और इस शेयर के अंदर जो ना भी आप लोग देखोगे आईआरएफसी की मैं बात करूं तो गिरावट के संकेत आने वाले हैं क्यों चलिए आपको दिखाते हैं डिटेल में और रही बात है आ, अरविने की तो अरविनल के अंदर जो सपोर्ट है नीचे में आप लोग देखोगे एक सौ उन्नीस रुपये का स्ट्रॉन्गली सपोर्ट है हर वीडियो में आपको बताता हूँ ये एसल आप लोग लेके चल सकते हो पहला टारगेट रहेगा ऊपर में एक सौ उनतीस रुपए चालीस पैसे का ब्रेक होता है तो एक सौ पैंतीस रुपए तक के जो टारगेट है वो यहाँ से ये शेयर हमें दिखा सकता है तो ये इसके ऊपर में टारगेट रहेंगे तो चलिए अब जानते भी आई आर एफ सी की रिगार्डिंग जो अपडेट आई है वो तो यहाँ पर आप लोग देखोगे इकोनॉमिक्स टाइम के वेबसाइट के ऊपर हमें जो अभी अपडेट देखने को मिली है गवर्नमेंट प्लान प्लांट्स टेक सेल इन स्टेट ऑन आई आर एफ सी रिपोर्टेड तो एक रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि गवर्नमेंट जो है भी अपना स्टेक सेल कर रही है आई आर एफ सी के अंदर जिस प्रकार आप लोग देखोगे आर एल के अंदर किया था ऑफर फॉर सेल के जरिए तो यहाँ पर एट्टी सिक्स परसेंट के आसपास स्टेक है गवर्नमेंट के पास आई आर एफ सी के अंदर ठीक है तो अब आई के अंदर आप लोग देखोगे 11 परसेंट के करीब जो होल्डिंग है वो अपनी सेल करने के बारे में यहाँ पर पता चला है ऐसा हमें जो एक रिपोर्ट के अनुसार पता चलते हुए नजर आया जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखोगे आरविनेल के अंदर 5 परसेंट के करीब स्टेक सेल किया था ना अभी पीछे गवर्नमेंट ने और तेरह पॉइंट छियासठ बिलियन रुपीज जो है यानी लगभग एक सौ पॉइंट तीन चार मिलियन डॉलर्स की जो ना भी वहाँ पर सेलिंग की थी तो इसी प्रकार अब गवर्नमेंट जो ना भी बड़े रास्ते देख रही है किसके अंदर सेलिंग के लगभग आप लोग देखोगे आई के अंदर और यहाँ पर 11 परसेंट के करीब जो शेयर है वो बेच सकती है तो ये जो ना हमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो न्यारह परसेंट का स्टेक अगर यहां पर बेचेगी तो इसी प्रकार जिस प्रकार हमें आर्विनेल के अंदर गिरावट देखने को मिलना, इसी के अंदर भी गिरावट आ सकती है तो यहां पर सेलिंग का मेरा इरादा है तो अब स्टॉक को ऊपर के लेवल से बेचकर आई थिंक आपको निकलना चाहिए अगर ऐसी कोई और अपडेट निकल कर आए तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद को वीडियो